नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर लाइन। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शुक्रवार की सुबह 10 बजे से 11:15 तक जनपद के समस्त थानों पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को दृष्टिगत रखते हुए महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में जनपद के थाना कोतवाली नगर के महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर रूपेश कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ अनुराग आर की उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम लता सिंह की कर कमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित महिला हेल्पलाइन 181 वुमेन पावर लाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 के बारे में अवगत कराया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी समस्या के संबंध में सूचना देने का आग्रह करते हुए उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु आश्वस्त किया गया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती महिला हेल्प डेस्क में की गई है, ताकि किसी भी वक्त उनकी कोई भी शिकायत होती है उसकी सुनवाई हो सके, उसको पंजीकृत किया जा सके और कहीं 24 घंटे इसमें ड्यूटी रहेगी। पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगी, ताकि कोई भी महिला अपनी अगर शिकायत थाने पर लेके आती है तो उसको एक रेगुलराइज तरीके से थाने पर दर्ज किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। तो आपको हम प्रचार के लिए कुछ पैम्पलेट्स भी देंगे, प्रचार प्रसार के लिए आप घर जाएंगे और उनको, जो भी घर में महिलाएं हैं उनको पैम्पलेट्स दें, उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं यूपी पुलिस के और प्रशासन के, जहां महिलाएं कॉल कर सकती हैं। इसके भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। आपके जनपद में 20 थाने हैं, 20 के टोटल 20 थानों पे इस हेल्प डेस्क का आज शुभारंभ किया जा रहा है और लगभग पिछले 72 घंटों में सभी थाना प्रभारियों ने बहुत मेहनत से इन हेल्प डेस्क को तैयार किया है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें